और सब गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग? आ चुके हैं हम एक न्यू वीडियो में। दोस्तों आज हम बनाएंगे एक पानी की टंकी का बजट। तो आप लोगों ने ज़्यादातर देखा होगा कि टंकी भरने के बाद उसका पानी बाहर निकलता ही रहता है, जिससे कि पानी बहुत वेस्ट होता है। यही चीज़ हमें 30 सेकंड पहले या 1 मिनट पहले पता चल जाए तो हम मोटर को बंद कर सकते हैं, जिससे कि हम पानी की बचत कर सकते हैं। चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। हमें यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी एक पानी की बोतल की, दो सिरिंज की और एक बजर की, जो कि मार्केट में आपको 10 से 20 रुपए का मिल जाएगा, और फेविक्विक की। तो अपना वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आपको सबसे पहले सिरिंज का ये ऊपर वाला हिस्सा हटा देना है और इस हिस्से को यहाँ पर इस तरह से चिपका डालना है। बंद कर क्या किया है कि इसके सिरिंज का एक छोटा सा छेद कर दिया और यहाँ पर एक कट बना दिया है। तो आपको क्या करना है, सिरिंज के इस होल के अंदर आपको एक वायर चला देना है। हमने इस वायर को कुछ इस तरह से अंदर डाल दिया है और इस बजर के ऊपर की टेप को इस तरह से उतार लेंगे और इस बजर को इस सिरिंज पे चिपका देंगे कुछ इस तरह से। और इस रेड कलर को इसमें हमारे पेस आएगा तो इसको हम इस तरह से मिला देंगे। बंद कर देंगे इस एक वायर को हमारे इस छेद किए हुए में कुछ इस तरह से लगा देंगे, ऐसे घुमा के ऐसे टाइट कर लेंगे। ये हमारा प्रोजेक्ट बन चुका है। ये किस तरह से काम करेगा, जैसे ही हमारा प्रोजेक्ट इस तरह से पानी की टंकी के लग जाएगा और जैसे ही पानी का स्तर ऊपर बढ़ेगा ये ऑटोमेटिक ऊपर जाता रहेगा, और जैसे ही फेस फेस आपस में टच होंगे तो ये बजर ऑटोमेटिक बजने लगेगा। ठीक है, चलते हैं अपनी टंकी की तरफ। अब एक बार इसको चला कर देख लेते हैं। इसके लिए हम ये 12 वोल्टेज का चार्जर लेंगे। हम इसमें सेल का कनेक्शन भी कर लेते हैं, लेकिन सेल इतना सक्सेसफुल नहीं जाता, इसीलिए हमने चार्जर का यूज किया है। आपको सबसे पहले करना है एक चार्जर ले लेना है, बाद में एक पावर लीड ले लेनी है, जिसके जो चार्जर करने की पिन होती है उसको काट के दोनों फेस और अर्थ दोनों वायर को बाहर निकाल लेना है। और क्या करना है कि यहाँ पर अस में जाएगा और अर्थ इसमें जाएगा, तो एक बार चला कर देख लेते हैं। हमने अभी इसकी वायरिंग कर ली है, अभी इसको टेस्ट ड्राइव कर लेते हैं। जैसे कि ये यहाँ पर ये सिरिंज टंकी के चिपक जाएगी और पानी का प्रेशर ऐसे स्तर ऊपर आता जाएगा, और जैसे जैसे जाता जाएगा कुछ इस तरह से ये काम करेगा, ऑटोमेटिक ये नीचे आते रहेगा। जैसे टंकी खाली हुई ऑटोमेटिक नीचे आ जाएगा, और जैसे पानी स्तर बढ़ा ये ऑटोमेटिक ऊपर चला जाएगा कुछ इस तरह से, और ये बजर इस तरह से काम करने लग जाएगा। हमने इस बजर को कुछ इस तरह से सेट कर लिया है, इस ये बोतल को काट के छोटा कर लिया है, बहुत बड़ी थी तो इसे छोटा कर लिया है। अब हम अपनी मोटर चालू करके देख लेते हैं। हमने यहाँ पर बजर को यहाँ से उठा के यहाँ पर लगा दिया, ठीक रहेगा इसे। लगा आपको टंकी के पानी का बजर? तो अच्छा लगा हो तो कमेंट में जरूर बताना, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।